दुनिया भर में कैटरपिलर की 20,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ आगे चलकर बटरफ्लाई में बदलती है और कुछ माउस में बदलती है। लेकिन ये रेंगने वाले कीड़े से उड़ने वाला कीड़ा कैसे बनते हैं? कैटरपिलर के खाने की तुलना की जाए तो इसका खाना 4 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर होगा। वैसे तो ये सिर्फ पत्ते खाते हैं, लेकिन ये सिर्फ 10 दिनों में करीब 10,000 गुना बढ़ जाते हैं। कैटरपिलर से तितली बनने में 2 से 4 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन ये 2 से 4 हफ्ते के बीच ये ऐसा क्या करते हैं जिससे ये एक उड़ने वाला कीट बन जाते हैं? दरअसल ये कैटरपिलर ककून में एक विशेष तरीके का इस्तेमाल करते हैं, यूँ कहूँ कि बहुत खतरनाक तरीके से ये एक खूबसूरत तितली में बदलते हैं। ककून के अंदर कैटरपिलर का ज़्यादातर शरीर का हिस्सा पेट में बदल जाता है, क्योंकि उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसीलिए वो ककून में आने से पहले अपने कैटरपिलर के जीवन काल में बिना रुके खाते रहते हैं, और फिर जैसे ही कैटरपिलर कार्पेट स्टोरेज के सीमा तक पहुँचता है, वह अपने त्वचा को उतार के मेटामॉर्फिक की तैयारी करता है। इसके अंदर एक मुलायम खोल होता है जो कि 24 घंटे के अंदर सख्त खोल में बदल जाता है। इसके बाद इसका सारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी यहीं से कैटरपिलर तितली बनना शुरू होती है। क्यूब के अंदर कैटरपिलर अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है, जिससे उसके नए टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि कैटरपिलर अपने दिमाग को भी खाने लगता है। इसी अवस्था के दौरान कैटरपिलर के जीन स्विच ऑफ हो जाते हैं और तितली के जीन स्विच ऑन हो जाते हैं। ये जब अपने आप को खाती है, तब ककून के अंदर इसके शरीर का सूप बन जाता है, और उस दौरान अगर किसी ने भी ककून को काटने की कोशिश की तो उसमें से कैटरपिलर सूप निकलता है। यही कैटरपिलर सूप तितली के पंख, आंख और शरीर के अंगों का निर्माण करती है। कैटरपिलर के दांत बदलकर एक लंबी ट्यूब का हिस्सा बन जाता है, जो कि फूल के रस चूसने में काम आता है, और इसी तरह 2 से 4 हफ्तों में तितली का शरीर विकसित होकर आकार लेने लगता है, और फिर 2 से 4 हफ्ते बाद उस ककून से एक खूबसूरत तितली का जन्म होता है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैटरपिलर तितली कैसे बनती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।